गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ वो शिपिंग से रिलेटेड है, हाउ टू अप्लाई और रिन्यू और रिवैलिडेट योर COC फ्रॉम DGS ई गवर्नेंस से। दूसरा चीज़ क्या है, बहुत दिन से हमारे बहुत सारे शिपिंग से रिलेटेड दोस्त हैं, वो बोल रहे थे कि सतीश जी एक ऐसा वीडियो पोस्ट कीजिए जिसमें आप ये बताएं कि COC रिवैलिडेशन रिन्यूअल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके क्या साइजेस हैं और कैसे किया जाता है। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं एक दिन संडे को ट्राई करता हूँ। और आज वो दिन आ गया है कि मैं वो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको साइट पे भी दिखाऊंगा कि हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट ऑल द लिंक्स एंड व्हाट्स ऑल द लॉगिन आईडी पासवर्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो वो सारा चीज़ बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 5 साल के शिपिंग में आपको मिनिमम 12 महीने सी सर्विस की ज़रूरत है। अगर आप ऑफशोर में भी हैं तो आपको मिनिमम 12 महीने सी सर्विस की ज़रूरत है। और क्या चाहिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता रहा हूँ। आइए इसको ध्यान से देखिए और बताइए, अगर कुछ कमी रह जाए इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में लिख के कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर आप अपना COC रिवैलिडेट के लिए जा रहे हैं तो ये होगा पहला स्टेप। आप गूगल में नहीं खुलेगा, ये मोजिला फायरफॉक्स में ही ओपन करना पड़ेगा या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में, दो ही जगह ये चलेगा। DG की साइट, DG शिपिंग लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन होगा। ये ऑप्शन ओपन होगा तो आप जो है पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे इस पे और यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए ये जैसे ओपन करते हैं ये बहुत सारा ऑप्शन खुलता है, इसमें आप यहाँ जाएंगे ई गवर्नेंस पे क्लिक करना है। ई गवर्नेंस पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट साइड में भी एक यहाँ पे ई गवर्नेंस ओपन होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ई गवर्नेंस ओपन करते हैं तो आप एक यहाँ पे जाएंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड आ रहा है। यूजर आईडी आपका इंडोस नंबर होता है जनरली, पासवर्ड अगर आप डालते हैं तो पासवर्ड आपका होता है। चलिए मैं इसमें एक मेरे एक फ्रेंड का यूजर आईडी पासवर्ड है वो मैं डाल के आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये लॉगिन हो चुका है और ये जो मैंने जैसे उंगली से मार्क किया है मेरे फ्रेंड का है, तो जैसे वहाँ पर नाम ना शो करे वहीं पे आपका नाम शो करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, आप यूज़र आईडी पासवर्ड में इंडोस नंबर और पासवर्ड अपना डालेंगे तो यहाँ मेरे अंगूठे के सामने जो है आपका नाम शो करेगा। और यहाँ पे देखिए, आपको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ, अपडेट सीफेरर प्रोफाइल है, CDC एंड COC, SMO एग्जामिनेशन, और देखिए COC एंड COC रिवैलिडेशन, इसी पे क्लिक करना है। अगर आपको DC इंडोर्समेंट के लिए जाना है तो DC पे जाएंगे और COC एंड COC रिवैलिडेशन में ही आप अपना GMDSS और GOC का GMDSS बुकलेट का रिवैलिडेशन आप कर सकते हैं इंडोर्समेंट का। ये देखिए COC एंड COC रिवैलिडेशन पे जाएंगे। देखिए हम अब जा रहे हैं COC एंड COC रिवैलिडेशन क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन आता है इसमें। देखिए इसमें आ रहा है एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, एप्लीकेशन फॉर रिवैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, हमको इसी पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर रिवैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी। देख रहे हैं, ठीक है,
देखिए यहीं से आप एप्लीकेशन फॉर डीसी एंडोर्समेंट डाल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर डीसी एडवांस लेवल बेसिक लेवल के लिए है, जीएमडीएसएस रेडियो ऑपरेटर के लिए है, और यहां से सीओसी रिवैलिडेशन के लिए पेमेंट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहां ऑप्शन है। नीचे रेड में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, देखिए ऑनलाइन पेमेंट टू बी मेड आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। मतलब कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तभी आप जो है सीओसी रिन्यूअल के लिए जाइए, अदरवाइज जो पेमेंट पे किए हैं वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें स्टेप भी लिखा हुआ है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैज डन द सीट बुकिंग ऑनलाइन कैन ओनली अप्लाई सीओसी ऑनलाइन, उनके लिए ये ऑप्शन है। जिन्होंने 12 महीने का सेलिंग नहीं किया है उनको अपना एमएमडी में सीट बुक करना पड़ेगा। सीओसी के लिए एक कोर्स होता है, कुछ कोर्स करना है और उसके बाद वहाँ से पास होंगे तब जाके आपका सीओसी फिर से रिन्यू होगा। जिनका सीओसी वैलिड है और साल 5 साल में 1 साल का सी सर्विस है वो यहाँ से सीओसी रिवैलिडेशन वाला ऑप्शन लेके सीओसी को रिवैलिडेट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे जाने पे यहाँ पे आता है सेलेक्ट द ग्रेड, पहले ग्रेड सेलेक्ट करना है। यहाँ से मास्टर है, मेट है, मेट फॉरेन गोइंग मास्टर, सेकेंड मेट फॉरेन गोइंग, जो भी है यहाँ से ग्रेड सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया जाएगा। तो मैंने बताया था कि सेलेक्ट ऑन सीओसी, सीओसी रिवैलिडेशन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो है वहाँ से अपना रैंक चेंज करेंगे। मास्टर के लिए करना है सीओसी या चिपमेट या सेकेंड मेट के लिए करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको किस एमएमडी में करना है उस एमएमडी को सेलेक्ट करना है, अपना पुराना सीओसी का डिटेल देना है, STCW 10 का डिटेल देना है, अपडेट द मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, अपने घर का एड्रेस वहाँ पे अपडेट करना है जहाँ पे आपको अपना सीओसी का स्टिकर मंगाना है। उसके बाद आप जाएंगे अपग्रेड द डिटेल्स इन द कैजुअल्टी इंक्वायरी टैब पे जाएंगे, उसके बाद एग्री करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑन एग्री एंड सबमिट द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड पे द फी पे करना है आपको। फी पे करने के बाद अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अब क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मैं आपको आगे बताता हूँ। और उसके बाद वंस योर एप्लीकेशन अप्रूव्ड योर रिवैलिडेशन स्टिकर विल डिस्पैच विद इन 1 वीक यू कैन गेट योर सीओसी रिवैलिडेट। इसके पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके उस पर अपना साइन करके उसको अपलोड करना है, और पेमेंट का रिसिप्ट पे भी साइन करके अपलोड करना है आपको। और जो STCW 10 डॉक्यूमेंट्स है, देखिए अब देखिए यहाँ पे दिखाते हैं कि विच ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड फॉर COC रिवैलिडेशन। पहला है स्कैंड एंड साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन अभी फिलअप किए हैं उसका प्रिंट लेके उस पर साइन करके, और ये ध्यान रखना है ब्लैक पेन का यूज़ करना है साइन करके। दूसरा है फ़ोटो चाहिए, रेसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, साइज इस पर दिया हुआ है 3.5x3.5 सेंटीमीटर विथ वाइट बैकग्राउंड एंड 70% फेस विजिबल, ऐसा करके एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की जो साइज होती है 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है फोटोग्राफ्स के बारे में, देखिए पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। द पिक्चर मस्ट बी टेकन अगेंस्ट लाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड प्रीफर्ड, अवॉइड फ्लैश एंड एंश्योर देयर इज नो रेड आई इफेक्ट। इन केस ऑफ द फोटो इज विथ ग्लासेस देन द आई मस्ट बी क्लैरिफाई विजिबल एंड नो रिफ्लेक्शंस आर सीन इन द ग्लास। थर्ड फाइव है कैप्स हैट्स डार्क ग्लासेस नॉट अलाउड, फोटोग्राफ्स मस्ट बी सेलेक्टेड हाईलाइटेड विदाउट द बॉर्डर एंड स्कैंड नॉट द इंटायर पेज। जितना फोटो है उतना ही फोटो चाहिए, पूरा पेज की जरूरत नहीं है।
तीसरा चीज़ क्या आपको अपलोड करना है, स्कैंड सिग्नेचर। द कैंडिडेट मस्ट हिमसेल्फ और सेल्फ साइन अ वाइट पेपर विथ अ ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक पेन से। डायमेंशंस प्रीफर्ड आर 3.5 × 1.5 cm। एंश्योर द सिग्नेचर इज सेलेक्टेड, हाईलाइटेड एंड स्कैंड एंड नॉट द इंटायर पेज, ठीक है। चौथा चीज है स्कैन कॉपी ऑफ रेलेवेंट पेजेज ऑफ ओल्ड COC ऑल पेजेज हैविंग स्टैम्प ETC। पांचवा है स्कैन एंड सेल्फ अटेस्टेड सी सर्विसेज ओरिजिनल लेटर फ्रॉम द ओनर एजेंट विथ RPSL नंबर एंड ईमेल एड्रेस, सेल्फ अटेस्टेड मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रूव्ड DGS डॉक्टर, और वो जो चाहिए 3 महीने के ऊपर का नहीं होना चाहिए, मेडिकल आपका 3 महीने का ऊपर का नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि सेल्फ अटेस्टेड क्या बोल रहा है, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल योर मॉड्यूलर कोर्सेज एंड अपग्रेडेशन कोर्सेज सर्टिफिकेट इन वन सिंगल PDF, PSCRB, PST रिफ्रेशर, AFF, PFF रिफ्रेशर, और उसका पुराना वाला भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, SSO, STSD कोर्स, MFA रिफ्रेशर कोर्स, PSSR कोर्स, और रिफ्रेशर एंड अपग्रेडेशन ट्रेनिंग कोर्स रूटो अगर किया है, या हाई वोल्टेज कोर्स। ये हाई वोल्टेज एक्चुअली इंजन साइड के लिए रिक्वायर्ड है, डेक के लिए नहीं है। तो ये सब चाहिए आपको, ये सारे चीज़ जो है आप अपलोड कर देते हैं साइन करके, और तो आपका COC स्टिकर जो है विद इन 1 week ऑफ अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स ऑन और 1 week ऑफ आफ्टर अप्रूवल ऑफ DGS साइट पे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप सबमिट करेंगे, आपका 1 से 2 दिन में वहाँ पे अपडेट होता है कि योर डॉक्यूमेंट इज COC रिवैलिडेशन इज इन प्रोसेस, एंड आफ्टर उसमें होता है कि अप्रूव्ड के बाद 2-3 दिन के अंदर उसमें डिस्पैच का ऑप्शन आ जाता है, और डिस्पैच में जो है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, तो उसमें इंडियन पोस्ट ऑफिस का डिस्पैच नंबर रहता है, जहाँ से कि आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको PDF JPG में इसी वीडियो में मैं पोस्ट कर रहा हूँ कहाँ पे क्या क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ट्राई, दिस इज माई बेस्ट वे आई एम पुटिंग द थिंग्स इन दिस वीडियो फॉर COC revalidation step by step. So I just requested all the seafarer to support me and subscribe my YouTube channel, and ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे support करें, मेरे video देखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, और any मेरे से अगर कोई इसमें mistake fault हुआ है तो I'm sorry, and you can make remarks on comment में जाके आप comment कीजिए कि दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड, देन आई विल फिर से सुधार के अगर हो सकता है तो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, बट आई थिंक ऑल द थिंग्स आई हैव कवर्ड इन द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो के अंत में आपको स्टेप बाई स्टेप JPG में मैं डाल रहा हूँ, आप उसको देखिए और आप अपने से कर सकते हैं। आप जो है लेटर, कंपनी का जो लेटर है उसी MMD के लिए लेना है कंपनी से, जिस MMD में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा हाउ टू अप्लाई GMDSS रिन्यूअल फ्रॉम DGS e-governance साइट ऑनलाइन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्टिंग मी, थैंक यू सर।